इंटरनेशनल टाइगर डे के मौके पर नौरादेही अभयारण्य के रूप में एमपी को एक और टाइगर रिजर्व मिल सकता है, क्योंकि एक साल से इसको लेकर की जा रही प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब महज औपचारिक घोषणा ही बाकी रह गई है। वन विभाग मध्य प्रदेश शासन पहले ही इसका प्रस्ताव दिल्ली भेज चुके थे। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसकी सैद्धांतिक सहमति भी दे चुकी है। अब सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। यदि टाइगर डे के मौके पर 29 जुलाई को इसकी घोषणा की गई तो यह मध्य प्रदेश का सातवां और बुंदेलखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। हालांकि नौरादेही टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित होते ही इसका नाम बदलकर रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व हो जाएगा। एमपी के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिले की सीमाओं में फैले नौरादेही वन्य प्राणी अभयारण्य में 15 बाघों का परिवार मौजूद है। अभी ये नौरादेही को टाइगर रिजर्व बनाया जाना है तो इसको लेकर क्या प्रक्रिया चल रही है, कहाँ तक पहुँची? नौरादेही अभयारण्य को जो अभी तक कार्रवाई होना था, जैसे वीरांगना रानी दुर्गावती अभयारण्य दमोह है और नौरादेही अभयारण्य, दोनों मिला के एक टाइगर रिजर्व बनाए जाने की योजना है, जिसको यहाँ से प्रेसित कर शासन को भेज दिया गया है और संभवतः एनटीसीए ने भी इसमें डिसीजन ले लिया है और टाइगर रिजर्व की बनने की कार्रवाई प्रचलन है। न्यूज 18 के लिए सागर से अनुज गौतम की रिपोर्ट।